अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपेकारी है। तीने को स्वरूपे जाने रागे ते भई है भक्ति ताते काए को नामाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भये करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याण सुख ऐसो हमें चाह तू है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानियों के साथ करणानियों का समन्वय। वैसे तो संपूर्ण ही जिनवाणी अपने शुद्धात्म तत्व को बताने वाली और वितरागता की पोषक है, इसलिए चारों अनियोगमय संपूर्ण जिनवाणी ही परस्पर में एक दूसरे से संबंधित। फिर भी जब अलग अलग चर्चा करनी होती है तो एक एक अनियोग को लेके चर्चा भी हो जाती है। इस संदर्भ में द्रव्यानियोग का करणानियोग के साथ में समन्वय, इस विषय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की। अनेक अनेक बिंदुओं से चर्चा के बाद में एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय द्रव्यानियोग का कि शुद्ध देखोगे तो शुद्धता पाओगे, अशुद्ध देखोगे तो अशुद्धता पाओगे। सामान्य से इसको लेके एक प्रश्न खड़ा किया जाता है कि जब अभी शुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध कैसे देखें, अभी तो अशुद्ध ही है। तो जब अशुद्ध है तो अशुद्ध ही देखेंगे तो अशुद्धता रहेगी, शुद्धता के लिए अवसर कहाँ रहेगा। इस बात की सिद्धि करणानियोग से बहुत ही अच्छी तरह से होती कि जिसे अपन अशुद्ध कह रहे हैं वास्तव में वो अशुद्धता कितनी सी और उसके साथ ही शुद्धता कितनी अधिक, कैसे इसे अपन देख रहे थे। द्रव्य और गुण को तो कोई भी अशुद्ध नहीं मानता, क्योंकि अशुद्धि का स्वरूप ही ये कि अन्य रूप हो, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इसका नाम है शुद्धता। कोई भी द्रव्य कभी भी पर रूप नहीं होता, कितना भी पर के साथ रहता हो कभी भी पर रूप नहीं होता, हमेशा अपने रूप ही रहता है। ऐसे ही कोई भी गुण कभी भी पर रूप नहीं होता, हमेशा अपने ही रूप रहता। कारण क्या है? प्रत्येक ही वस्तु में अनादि अनंत ही अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण विद्यमान, सामान्य गुण है, यानी प्रत्येक वस्तु में विद्यमान।
क्या है अघोर लघु तुंग का स्वरूप, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे। मतलब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक कांच ही बंद कर देते हैं तो ठीक रहता, एक कांच क्योंकि हवा ज्यादा आ रही है तो वो टिक नहीं रहा बिल्कुल, मात्र एक इस तरफ का। बस तो हवा थोड़ी सी क्योंकि बिल्कुल ही रुक रहा था ना पीछे, तो द्रव्य का द्रव्य पना कायम रहता है। मतलब क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और उसके अनंत अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, और ये वस्तु मात्र का स्वभाव सामान्य गुण है यानी हर वस्तु में। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण, तो वहां बैठेंगे पीछे यहाँ जाओ देखेंगे पूरा पूरा चेहरा देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, बराबर से क्या होता, यानी जमीन की ऊंचे नीचे थोड़ी कुछ ऊंचा नीचा होता, विनय अभिनय भावों में होती है, जगह में थोड़ी होती विनय अभिनय, क्योंकि वहां चेहरा तो दिखता नहीं तो बार बार ये हो तो क्या मतलब। क्योंकि अघोर लघुत्व गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कितना भी मिलजुल करके रह रहा हो यानी जल पय ज्यो जीतन मेला तो भी भिन्न भिन्न नहीं भेला, यानी किसी भी द्रव्य के साथ रहे एक क्षेत्र होगा संबंध में तो भी सब अलग अलग रहते। तो जब अलग अलग ही है तो द्रव्य में क्या अशुद्धता आएगी, क्योंकि दूसरे द्रव्य रूप हो तो ही अशुद्धता आए ना, कोई दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं रहा, यानी जीव पुद्गल के बीच में कितना भी क्यों ना रहे तो भी अनादि अनंत जीव ही रहा, जीव ही रहेगा, कभी जीव पुद्गल रूप बनने वाला नहीं और पुद्गल जीव रूप बनने वाला नहीं, तो क्या अशुद्धता आएगी। इसलिए द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध। अब ऐसे ही गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ज्ञान अनादि अनंत ज्ञान रहेगा, दर्शन अनादि अनंत दर्शन रहेगा, सुख अनादि अनंत सुख रहेगा, ऐसे पूरे अनंत अनंत गुणों में लगा लें कि कोई भी गुण किसी दूसरे रूप होने वाला नहीं तो क्या अशुद्धता आएगी। और एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण बिखर कर कभी भी अलग अलग होने वाले नहीं है तो क्या अशुद्धता आएगी। देखो तो लोक में भी अशुद्धता के बस दो प्रकार होते हैं, या तो कोई चीज उसमें मिल जाए और या फिर उसमें टूट फूट हो जाए, यानी वो खंडित तो हो जाए टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, या फिर कोई दूसरी चीज मिल जाए, यानी आपने कहा भी दूध अशुद्ध हो गया तो अशुद्धता मतलब क्या, या तो उसमें कोई चीज मिल गई होगी और या फिर वो फट गया होगा, और कोई तीसरा रूप अशुद्धता का है, यानी या तो कोई चीज उसमें मिल गई होगी और या फिर वो स्वयं में फट गया होगा, तो फट जाएगा तो भी आप कहोगे कि दूध अशुद्ध हो गया, और कोई चीज मिल गई तो भी कहोगे कि दूध अशुद्ध हो गया। यानी लोक में भी अशुद्धता के बस दो ही प्रकार हैं, या तो कोई दूसरी चीज मिल जाए और या फिर वो फट जाए मतलब टुकड़े टुकड़े बट जाए। अघोर लघुत्व गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, उसका एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता और उसके अनंत अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो सकते, यानी वो दूध जैसे फट नहीं सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। तो अब अशुद्धता के लिए कहां अवसर रहा कि नहीं सब कोई दूसरी चीज आके मिल जाएगी,
तो अगुरु लघुत्व गुण के साथ ही एक प्रदेशत्व नामक गुण भी विद्यमान, और उसका स्वरूप क्या है कि प्रत्येक द्रव्य का ऐसा आकार रहता है, कोई ना कोई ऐसा सुनिश्चित आकार कि उसका टूटना कभी भी संभव ही। आ रहे हैं पास में, आ जाए, सुनने की दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, निकल। वो थोड़ी सी सुनने की दिक्कत है तो इसलिए पास सुनने का सूतक है क्या? अच्छा, तो जब उसका आकार पूर्ण सुनिश्चित, किसी भी कीमत पर खंडित नहीं हो सकता, तो अब कोई प्रवेश कैसे करेगा? देखो इसको ऐसा ले, कभी कभी लड्डू वगैरह बनाते हैं, हम लोग कहने से मगध वगैरह के लड्डू चलते, तो पूरा बिल्कुल एकमेक हो जाता सब। अब मान लो आप वो लड्डू बना रहे थे और उसमें इलायची आपको डालनी थी, और पाउडर बना के भी रखा था, पर अब एंड टाइम पर भूल गए, अब वो लड्डू बंद गए। अब जब पूरे बिल्कुल सब हो गए और रखने को हुए, तो अचानक अरे ये तो रह गया। अब बोलो, अब कोई उपाय है उसमें मिलाने का? क्योंकि एक ही उपाय कि उनको तोड़ो तो मिल सकता, क्योंकि वो तो कृत्रिम है, तो टूट जाएगा। यानी एक बार उसको आकार जो दे दिया गया, तो अब यदि कोई दूसरी चीज मिलानी है, तो कोई भी ऐसा उपाय है कि वो आकार नहीं तोड़े और चीज मिल जाए? नहीं, वो कृत्रिम है तो उसका तो आकार टूट जाएगा, ये अकृत्रिम वस्तु। तो अब इसमें कोई भी चीज मिलेगी कैसे? और जब नहीं मिलेगी तो अशुद्धता आएगी कैसे? क्योंकि अशुद्धता के ही दो ही रूप थे, या तो कोई चीज आके मिल जाए और या अंदर में टूट फूट हो जाए। अगुरु लघुत्व गुण के कारण अंदर में टूट फूट संभव नहीं, और प्रदेशत्व गुण के कारण बाहर की कोई चीज आकर के मिलनी संभव नहीं। तो फिर अशुद्ध कैसे हो गया? कि सब पर्याय में अशुद्धता चल तो रही है, तो उसकी भी क्या स्थिति, इसकी चर्चा पढ़ने शुरू की। यानी इतना तो सिद्ध हो गया ना कि द्रव्य पूरा का पूरा शुद्ध, अनादि अनंत, उसके गुण भी पूरे के पूरे शुद्ध अनादि अनंत, तो इतनी शुद्धता तो पक्की हो गई ना। अब रही गुणों की पर्यायों की बात, तो पर्यायों में भी कुछ गुण तो ऐसे कि जिनमें कभी विकृत पर्याय होते ही नहीं। द्रव्यत्व गुण का विकृत परिणमन क्या होगा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती, तो उसमें विकृति क्या होगी? जब वस्तुत्व गुण के परिणमन में विकृति क्या आएगी? अस्तित्व गुण के परिणमन में विकृति क्या आएगी? अच्छा, प्रमेयत्व गुण के परिणमन में विकृति क्या आएगी? मान लो प्रदेशत्व का कह सकते कि साहब चार गति 84 लाख के होने रूप प्रदेशों का परिणमन हो रहा है, तो कदाचित तो मान भी ले, मतलब अन्य अन्य और अनन्य, अपने 14वीं गाथा का तो अनन्य है स्वरूप, यानी एक जैसे प्रदेश, और फिर भी ये अन्य अन्य हो रहा है, तो कदाचित तो मान ले। बाकी में क्या अगुर लघुत्व गुण का परिणमन क्या शुद्ध होगा? और ऐसे ये इतने ही नहीं है, 6 तो सामान्य गुण बताए हैं, होते कितने हैं? तो उनमें कौन सी विकृति? अच्छा, अनंत जो धर्म है, नित्य है, अनित्य है, एक है, अनेक है, तत् है, अतत् है, सत है, असत, इनमें क्या विकृति आएगी? तो द्रव्य पूरा शुद्ध, गुण पूरे शुद्ध,
सामान्य गुणों में 1% गुण को गुण कर दें तो बाकी गुणों का परिणमन शुद्ध, अनंत धर्म शुद्ध, इतनी सारी तो शुद्धता हो गई ना। अब जो वो अशुद्धता है उसको अभी लेंगे अपन कि वो भी कितनी है, पर इतनी ही शुद्धता हो गई इसमें तो कोई प्रश्न के लिए अवसर नहीं ना। अब दूसरी कि सब जो है उसकी चर्चा, तो उसकी चर्चा अपन ने शुरू की थी कि अनुजीवी गुणों के परिणमन में कुछ अशुद्धता चल रही, प्रतिजीवी गुणों के परिणमन में भी चल रही, पर अनुजीवी गुणों के परिणमन में अशुद्धता चलती होने पर भी चूंकि वे अनुजीवी गुण हैं इसलिए निरंतर कुछ ना कुछ स्वाभाविक शुद्ध अंश उनमें व्यक्त रहता है। अव्यक्त नहीं, देखो इसको ऐसा समझे, उबलता हुआ पानी, उबला हुआ नहीं उबलता हुआ, मतलब अभी गैस पे चढ़ा है और बराबर वो आवाज भी आ रही, बराबर खदबद खदबद, ऊपर देखो तो बराबर वो उछल रहा, ऐसा पानी, उसमें व्यक्त शीतलता, अव्यक्त नहीं, उस इन्हें उबला हुआ नहीं कह रही मैं, हाँ क्योंकि उबला हुआ तो ऐसा हो जाएगा ठंडा कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि उबला हुआ है कि कच्चा है, पर मैं तो उबलता हुआ वाला ले रही कि जो अभी गैस पे चढ़ा है बराबर वो देखे कोई भी तो उठ रहा, छू के देखे तो भी बराबर पता के हाँ गरम, उसमें व्यक्त शीतलता है कि नहीं, कहाँ है, कहाँ है स्वभाव में, ये इन्होंने बात कही, इन्होंने पकड़ा दी, यानी वो उबलता हुआ पानी आग पर गिरे और फ्रिज का पानी आग पर गिरे, यानी वो बिल्कुल जो एकदम उबल रहा ना, यानी इतना उबल रहा कि उसमें आपकी तुअर की दाल उबल जाएगी, इतना उबल रहा, तो उबलता हुआ पानी आग पर गिरे तो आग कैसी बुझेगी, कि वह आग भी गर्म हो वो भी गर्म तो गर्मी से गर्मी बढ़ेगी और क्या होगा, बुझेगी। अच्छा फ्रिज के पानी से बुझाओगे तो कुछ अंतर पड़ेगा कि चूंकि ये अंगारा तो हमने फ्रिज के पानी से बुझाया इसलिए कुछ अच्छे से बुझ गया, और ये तो बिल्कुल उबलते हुए पानी से बुझाया था ना तो ठीक से नहीं बुझ पाया, कुछ अंतर पड़ेगा, मतलब क्या निकला कि उबलते हुए पानी में भी शीतलता व्यक्त विद्यमान, अव्यक्त नहीं, अव्यक्त तो उसे कहेंगे कि जब हम उसको ठंडा करें तब वो काम कर पाए, तो इसका मतलब अभी अव्यक्त है, और व्यक्त कि बिल्कुल वो उबलता हुआ ही आप चम्मच से लेकर के और एक अंगारे पे डालें तो बिल्कुल वैसा ही अंगारे को बुझाता ना जैसा कि वो फ्रिज का पानी बुझाता, तो इसका मतलब फ्रिज के पानी में जैसी शीतलता है व्यक्त, अव्यक्त नहीं, ऐसी ही शीतलता इस उबलते हुए पानी में है, पर बस इसकी शीतलता हाथ से समझ में नहीं आएगी, क्या आपका उस अव्यक्त शीतलता तो हाथ डाल दे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर इसकी शीतलता आंख से भी नहीं दिखेगी, पर उसी समय इसकी शीतलता को यदि ज्ञान से देखने गए, अपने ज्ञान का प्रयोग करके विचार किया कि यदि ये अंगारे पर पड़ेगा पानी तो अंगारे की क्या हालत होगी, और ज्यादा धधकेगा, धधकेगा बुझ जाएगा, इसका मतलब फ्रिज जैसी शीतलता, फ्रिज के पानी जैसी शीतलता इस उबलते हुए पानी में भी व्यक्त विद्यमान है। हाँ तो इसका मतलब क्या निकला, तो अव्यक्त नहीं, यानी यदि अव्यक्त होती तब तो उस उबलते हुए को पहले ठंडा होना पड़ता तब वो गैस बुझा पाता,
पर तो वैसे उबलता वो गिरता हो गैस बुझ जाती। तो इसका मतलब उस उबलते हुए में भी व्यक्त ठंडापन, अव्यक्त नहीं, इसलिए उसको स्वभाव नहीं कहेंगे। तो व्यक्त पर्याय में व्यक्त, क्योंकि स्वभाव तो तब कहलाएगा कि अभी तो नहीं है, पर अब उसको फैला के ठंडा कर लो तो वो ठंडा हो जाएगा। कि बात तब की नहीं चल रही, बात तो जिस समय वो उबल रहा है उसी समय यदि आग पर गिरता है तो बिल्कुल वैसे ही आग बुझाता है जैसे कि वो फ्रिज का पानी बुझाता, रंच मात्र अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब फ्रिज के पानी जैसी व्यक्त शीतलता उस उबलते हुए पानी में भी व्यक्त है, अव्यक्त नहीं, यानी स्वभाव में नहीं पर्याय में भी। तो जब एक जड़ पदार्थ में अपना स्वभाव ऐसा व्यक्त रह सकता तो चेतन इससे भी गया पीता है कि क्रोध के समय अब वो स्वभाव व्यक्त कहाँ होगा, अब वो तो क्रोध की अग्नि में भभक रहा है कि वो सुख अनुजीवी गुण है। इसलिए उस क्रोध की अग्नि के बीच में भी स्वभाव पूरा विद्यमान, क्योंकि अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण का मतलब ही कि कितना ही विकृत से विकृत परिणमन हो तो भी कुछ ना कुछ स्वाभाविक शुद्ध अंश निरंतर व्यक्त रहे। ज्ञान की कल अपन ने चर्चा की थी कि कितना भी कम ज्ञान हो, मिथ्या हो, पर उसमें जो जानना 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 पना चल रहा वो क्या है, केवल ज्ञान का अंश, जो स्वभाव का अंश। ऐसे दर्शन का कि जो सामान्य प्रतिभा चल रहा वो क्या है, स्वभाव का अंश। अब ऐसी शक्ति, काम चाहे गलत हुआ हो चाहे सही, शक्ति तो पूरी लगती है। यानी ऐसा थोड़ी है कि एक कांच मान लो यहाँ नहीं फिट करना था, वहां फिट करना था, अब वो कारीगर ने यहाँ फिट कर दिया तो आपका एक काम हमारा बिगाड़ दिया, तो अब मजदूरी नहीं मिलेगी। सबसे बिगड़ा हो तो सुधराओ, हमारा तो समय पूरा लगा है, हमने मेहनत पूरी की है, इसलिए मजदूरी तो पूरी लेके जाएंगे। बोलो ये चलेगा कि चूंकि काम बिगड़ गए है ना इसलिए हम मजदूरी नहीं देंगे, चलेगा ना? क्यों, हमारी तो ताकत पूरी खर्च हो गई। यानी काम सही है कि गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ताकत हर एक में लग रही है। यानी ताकत कभी भी सही गलत नहीं होती, ताकत ताकत होती। ऐसे ही यहाँ वीरगुण का परिणमन सामर्थ ताकत, तो वो तो मात्र ताकत है, चाहे ज्ञान गलत जाने चाहे सही जाने, ताकत तो उसमें लगी रही, तो उसमें भी कोई शुद्धता अशुद्धता वाला भेद नहीं। यानी उसमें भी निरंतर कुछ ना कुछ शुद्धता का अंश व्यक्त चल रहा, ये सहज स्वीकार। तो सामर्थ्य है ना, तो वो सामर्थ्य काम कर रही, इसका मतलब स्वाभाविक शुद्धता का अंश विद्यमान। तो ज्ञान दर्शन और वीर्य इनके विकृत से विकृत परिणमन के बीच में भी कुछ ना कुछ स्वाभाविक शुद्धता का अंश विद्यमान रहता है, ये तो अपने को बिल्कुल सहज स्वीकार हो जाता। समस्या आती है सुख की, इसके लिए आपसे उपादान निमित्त चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा था। किन किन ने पढ़ी, एक दो, थोड़ी सी, भोजन कितना किया, भोजन तो पूरा करना, पढ़ने में कटौती कर लेंगे। आपने पढ़ी पूरी, आपने भी पढ़ी, आपने क्यों, गोरख धंधा गधा मजूरी। देखो कितनी बार आप लोगों को समझा चुके, मजबूरी को मजबूरी समझिए, शान मत समझिए। कोई मेरे पास रोटियों की कमी नहीं थी कि जिसके लिए यहाँ आई हूँ, किसके लिए आई हूँ कि बनी बनाई रोटियां खाने मिले, फिर तो जब सुनाने के लिए आई तो सुनने वालों की भी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं। जब मैं मेहनत कर रही तो
आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं कि मेहनत करें, और नहीं करोगे तो फिर मेरा उपयोग कैसे लगेगा। बहुत गंभीर होकर सोचना, कोई भी आपकी रोटियों से खुश होने वाला नहीं है, ये पक्का समझ लो, क्योंकि रोटियों की किसी की यहां कमी नहीं है, बल्कि बढ़िया और स्वतंत्रता से खाता है, तो कोई समस्या है ही नहीं। तो जो भी वो इतनी भागदौड़ करता है, वो सुनाने के राग के वशीभूत कि भाई ये सब तत्व समझें सुने, तो यदि उसमें कटौती रही, उसको यदि हृदयंगम नहीं किया, तो समझ लेना बाकी कितनी सेवा करना कोई टिकने वाला नहीं है, ये पक्का समझना। क्योंकि टिकाने के लिए कसौटी क्या चाहिए, बढ़िया भोजन नहीं, बढ़िया 24 घंटे की जिम्मेदारी नहीं, क्या चाहिए कि जिस तरह से हम पढ़ा रहे पूरी मेहनत करके, तो आप भी उस तरह से ग्रहण करें, तो जब पूछा जाता है तो उत्तर मिले, तब तो मन लगेगा। और अंत यहां से निकले और से साधन निकल गया तो लगेगा एक तरफा मेहनत कहां तक करेंगे, तो क्या फायदा, ये परिणाम निकलेगा। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना। भोजन पानी मजबूरी है, कोई भी आएगा तो कोई हवा खा के थोड़ी जिएगा, तो भोजन पानी तो होगा, पर बस वो होगा मजबूरी है, तो मजबूरी को मजबूरी समझिए, फटाफट अपने जैसे निपटा निपटा बस, उसमें ज्यादा क्यों लगे रहना, गोरख धंधे में ज्यादा क्यों फंसना। तो बाकी समय में परस्पर बैठ के और क्या विषय आया, जो प्रश्न लिखा है उसका क्या उत्तर, ये चर्चा करिए। यानी वो विषय पूरा हृदयंगम होना चाहिए, अकेले यहां सुनने तक नहीं, बाद में भी रहना चाहिए उपयोग में, तब समझना कि सामने वाले का भी उपयोग स्थिर रहेगा। भाई मेहनत का फल दिखेगा तो रहेगा वो स्थिर, और मेहनत पानी में जाती हुई दिखे तो कि बस सुनाते जाओ सब सिर पैसे निकाल के वो खत्म बात, तो कौन ऐसी बेमतलब की मेहनत कौन करेगा। चलिए तो अब पढ़ना, आज पूरी अधूरी नहीं। उसमें जो मुझे मुख्य विषय बताना इस संदर्भ में, विशुद्धता पर बहुत जोर दिया उन्होंने। विशुद्धता मतलब कषाय की मंदता। अब चर्चा अपनी किस पर शुरू हो रही कि सुख गुण का परिणमन यानी श्रद्धा और चारित्र गुण का परिणमन, इनमें स्वाभाविक शुद्धता का आंशिक कैसे, यानी मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, इनमें स्वाभाविक शुद्धता का आंशिक कैसे। ज्ञान आदि में तो समझ में आ जाता, इधर आप ऐसे मत बैठिए, क्योंकि होता क्या है फिर कोई बस पंजे का मालिश होने लगता, तो एक तो उपयोग भ्रष्ट होगा और दूसरे हाथ गंदे हो गए, और फिर अभी कुछ भी काम निकलेगा तो उन्हीं हाथों से फिर शास्त्र भी छू लोगे और भी सब छू लोगे, तो इसे बैठ नहीं है ऐसे। और एक और इस संदर्भ में कह दूं, हम अपने विद्यार्थियों को तो हमेशा टोकते और इसी वजह से फिर इन लोगों को पढ़ाना भी बंद हुआ। देव शास्त्र गुरु के सामने कभी भी शर्ट इन करके नहीं आना। कारण क्या, भगवान 18,000 शील के स्वामी हैं, 18,000 शील के स्वामी भगवान, वाणी भी उनकी है, तो जो 18,000 शील के स्वामी उनके सामने सर्टे इन करके बैठे, तो वे ही अंग और उभर के व्यक्त होते हैं। क्यों, यही नीचे का अंग मोटा रहता और नीचे का तो पतला रहता, तो वहां का तो पैंट भी ढीला रहता, पजामा भी ढीला रहता, और बीच का ये मोटा रहता, तो कितने ही ढीला हो तो भी यहां तो जाके टाइट हो जाएगा। अब एक थी उसकी इज्जत बचाने के लिए कि शर्ट थोड़ी नीची रहती, लगभग घुटने के ऊपर तक, क्यों रखी जाती इतनी,
कि वो अंगे ढके रहे। इसके लिए अब हमने कर लिया उल्टा कि वैसे ही वहां पेंट टाइट हो रहा था क्योंकि वो अंगे मोटे रहते और फिर और उसके अंदर शर्ट डाल दी तो और मोटापन आ गया तो वो और टाइट तो भी अंग एकदम उभर के। तो ये कहां बैठे इसका भी विवेक अपने को रखना पड़ता है। 18,000 शील के स्वामी के बीच में बैठे, उनकी वाणी के सामने बैठे हैं, तो उनकी इज्जत रखने के लिए अपनी वेशभूषा भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कहीं भी कुशील का पोषण ना हो। इसलिए सर्टेन कभी भी नहीं करना, वैसे किसी भी रूप में नहीं कर तो बढ़िया है, पर मान लो वो क्योंकि आजकल तो वो जमा नहीं है तो कदाचित अन्यत्र जाना पड़े हो करना पड़े तो मजबूरी समझना, पर मंदिर आदि में स्वाध्याय भवन आदि में तो भूल से भी नहीं। तो पहले तो जब मैं पढ़ाती थी वहां स्मारक में पुराने विद्यार्थियों से पूछना, तो चूंकि वो कॉलेज वगैरह तो वैसे ही जाती, अब मान लो यहाँ क्लास लग रही और वो हॉल का गेट, तो जल्दी जल्दी क्योंकि कोर्स बहुत रहता टाइम बहुत सीमित तो हर काम भाग दौड़ में करना पड़ता, तो एकदम भागती भागती आए वहां तक। अब अंदर प्रवेश कर रहे और अचानक पड़ी मेरे ऊपर दृष्टि, तो अब भी उठो के तो वहीं से फिर पुरानों से पूछना वे बताएंगे कि ऐसा करते थे, फटाफट बस वहीं से जल्दी से शर्ट निकाल के ऊपर। इतने तो संस्कार होने ही चाहिए अपने में। कुशील का बहुत ज्यादा पोषण करने वाला है कि वो अंगों पर एकदम उभर के दिखने लगते, टाइट हो जाता ना पेंट, यदि बिना उसके फोटो खींचो कैसे लगेगा, वैसे बिल्कुल नंगा खड़ा हो व्यक्ति क्योंकि वो तो पूरा चिपक गए, तो पूरा पीछे का और आगे का उभरा हुआ पूरा हिस्सा, जींस वगैरह पहने तो बिल्कुल ऐसा लगे उसमें कोई नंगा खड़ा हो, उतना मोटा कपड़ा होने पर क्योंकि पूरा वो चमड़ी को छू रहा। कहां रही शील की मर्यादाएं। इसलिए अपने वेशभूषा में भी और फिर यहां बैठने में भी कि पंजा ऊपर करके तो बिल्कुल नहीं, देखो गुरुदेव जी की नकल नहीं करना, किताब देव भी तो बैठते थे, उनके बैठने और अपने बैठने में जमीन आसमान का अंतर है, और कदाचित बैठते भी थे तो इज्जत कौन सी पाई, उसके कारण तो अपमान ही सहना पड़ा, जाने के बाद भी फोटो को देख देख करके अभी भी मात्र उतने से के कारण अपमानित होते, एक क्या स्थिति इनकी बैठने की, सामने शास्त्र रखे हो बराबर पैर के ऊपर पंजा हो बराबर उसके ऊपर हाथ है, यानी कदाचित तुमने किया भी तो कोई अच्छा काम तो था नहीं, अभी तक बदनामी मिल गई, तो इसका मतलब काम तो गलत है, भले किसी की आदत में आ गया हो और बहुत बड़े थे कोई लोगों ने टोका नहीं वो एक अलग बात, पर इज्जत तो नहीं मिली, पाप तो पाप है, गलती तो गलती है, इसलिए अपने लिए अनुकरणीय बिल्कुल भी नहीं। यानी या तो फिर पूरे पद्मासन से बैठे हो बिल्कुल हाथ में भगवान बन के पूरे, और नहीं तो फिर ऐसे पालथी लगा के अर्ध पद्मासन में है कतरी में। अब जो भी विषय आ गया तो एक और ऐसे ही है काले कपड़े अपने यहां तो धवल जी है, देखा नहीं देखा आप लोगों ने धवल जी केसरी चंद धवल कहां देखे, नहीं आप लोग कहाँ मिले होंगे देखने, क्योंकि आप लोग जब से आए तो स्मारक में आए ही नहीं है, करीब 12-13 साल से स्मारक में नहीं आए, पहले तो खूब आते थे अब तो नहीं आए। अच्छा तो तब देखा, वे तो इस संदर्भ में इतने स्ट्रिक्ट, कोई भी यदि काला कपड़े पहने बैठा है या आप उठिए
या हम उठते सीधा, या आप उठिए हम उठते। अब आपको प्रवचन चालू रखना तो उठ जाइए, और यदि ज्यादा ही नहीं साहब हम तो बैठेंगे, हम नहीं तो आपको बुलाया, ठीक है बैठे रहो चले जाने के। कुछ लिहाज रखने के लिए अवसर नहीं देते, या आप उठिए या हम उठते। काला काला कपड़ा बिल्कुल नहीं चलने, कारण क्या? ये कोई दुराग्रह नहीं है। काला रंग क्यों पसंद आता अपने को? कि सब मेल छिपा हुआ होता है, यानी थोड़ी बहुत गंदगी छिपी रहती है, और सफेद में तो थोड़ा सा भी होता एकदम दिखने लगती खुल के, और काला हो तो इसका मतलब हमें गंदगी बुरी नहीं लगती है, गंदगी दिखना बुरी लगती है। क्या गंदगी से परहेज नहीं है? गंदगी दिखना नहीं चाहिए। तो जो कपड़े अपने से भिन्न हैं, उसमें भी जब इस तरह की माया चाहिए कि गंदे रहें वो तो चलेगा, गंदे दिखना नहीं चाहिए। तो काले में चूंकि दिखते नहीं हैं, तो इसलिए हमें वो पसंद आते। तो अपने परिणामों की क्या हालत होगी? यानी हमें गंदे परिणामों से परहेज थोड़ी है, बस दूसरों को हमारी गंदगी दिखना नहीं चाहिए। तो जो अपनी गलती इस तरह से छिपाना चाहता है, अब वो कभी गलती को नष्ट कर पाएगा? ये है उसके पीछे लिया। कृष्ण नील कापुत, ये तीन रंग धार्मिक क्षेत्र में पूर्णतया वर्जित हैं। पहले तो लौकिक मर्यादाएं भी थी, शादी वगैरह में भी कृष्णील कापोत के नहीं पहनते थे, विधान आदि में भी नहीं, कहीं भी किसी के जन्म आदि में गए हो तो भी नहीं। अब तो सब चलने लगा, अब तो डर रहा है, पर पहले तो ये मर्यादाएं थी। शादी वगैरह में जा रहे हो तो कृष्णील कापोत के कपड़े नहीं पहनते थे, इन कपड़ों से नहीं जाएंगे शादी में, हरा है, कॉटन की बात नहीं चल रही अभी अभी, कलर अपनी अपनी क्या पूरी भारतीय संस्कृति में कृष्ण नील कापोत रंग अशुभ लेश्य के निशान। तो किसी भी रूप में नहीं चलते, कदाचित ऐसे चल भी जाए क्योंकि उतने गहरे नहीं है, बाकी सफेदी भी तो है ना, पर बिल्कुल काला वो तो बिल्कुल नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो अपनी रुचि की द्योतक, क्योंकि अपन नहीं खरीदे हैं, कोई भेंट में थोड़ी मिले, बोलो ये साड़ी भेंट में मिले, ये स्वयं खरीदी, शौक से स्वयं खरीदी। इसका मतलब क्या निकला? कि हमें उन 20 साड़ियों में से सबसे बढ़िया लगी थी। भाई एक दो थोड़ी देखी थी, 20 देखी होंगी, उनमें से चुनी तो सबसे बढ़िया लगी थी, यानी हमें ऐसे परिणाम सबसे बढ़िया लग रहे जिनमें हमारी गंदगी छिपी रहे, यानी हमें गंदे परिणाम बुरे नहीं लगते, वे गंदे परिणाम इन्हें पता ना लग जाए। हमें तो अच्छे लगते पर दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे रंग इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि अपने को तो पता है ना कि कितने दिन से पहने हैं, तो कितनी मैली हो गई होगी साड़ी, पर दिख नहीं रहे ना, चल जाएगा आज, सब चल जाएगा अभी, क्यों दिख कहाँ रही गंदगी। तो ये बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं मैल छिपाउल, कि मैल को छिपाने वाले रंग। तो मैल को छिपाना नहीं है, मैल को साफ करना है, अपने विकारों को छिपाना नहीं है, विकारों को मिटाना है, इसलिए विकारों को छिपाने वाली परिणति मान्य नहीं। तो कपड़े भी वैसे नहीं, अपनी पूरी भारतीय संस्कृति में भी तो कोई भी हड़ताल में वो काली पट्टी बांध के निकलते ना, किस में निकलते, बाकी में तो नहीं,
यानी काला रंग इस तरह का माना जाता। तो धार्मिक क्षेत्र में तो खास विवेक रखना, इसलिए भी सूचित कर दिया कि यदि धवल जी का सानिध्य मिला तो वो तो बैठने ही नहीं देंगे। और फिर कितने ही निवेदन करना, एक बार की भिंड की घटना है, तो रात का समय था, रात का प्रवचन हो रहा था, एक महिला ऐसे काले कपड़ों में आ गई, यानी इस तरह की करीब थी। उठे बहन जी, आप जाइए। अब वो बेचारी सर पका गई, और भिंड वाला तो एरिया, वहां तो लाइट की देखी होगी, जो भी गए होंगे क्या हालत होती रात का समय। तो लोगों ने काफी कुछ समझाया, समझाने की कोशिश की कि सब बहुत दूर रहती है, रात का समय 9 बज गए हैं, कहाँ जाएगी, ठीक है मर जाने तो उसको, हम जाते, हम तो पास में ही रहते हैं ना, वहीं धर्मशाला में रुके तो हम तो पास में, हम जाते नहीं साहब ऐसा कैसे, तो फिर उसको भगा। और आखिरकार नहीं बैठने दिया, सो नहीं बैठने दिया, वो जाके मंदिर के बाहर खड़ी रही 1 घंटे तक, पर नहीं बैठने दिया। कि कुछ मर्यादाएं हैं कि नहीं, यानी बाकी सबके मंदिर मस्जिद की मर्यादाएं, कोई मस्जिद में काले कपड़े पहन के जा सकता, और जैन मंदिर में स्वर्ण मंदिर देखने जाना, अपना जैनियों का भी अपना भी है ना स्वर्ण मंदिर, कहाँ ग्वालियर, तो उसका नहीं, पंजाबियों का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा देखने जाओ। और फिर कहो सो हम तो बस वो, हमारा तो वो एकमात्र देखने का है, हमारी कोई भक्ति थोड़ी है, क्या कहेगा वो, यदि यहाँ आना है तो हमारी मर्यादा में रहना पड़ेगा, भक्ति हो चाहे नहीं से ढक के आओ, कि तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, रुमाल है ना, रुमाल से ढको, कहीं सो रुमाल भी नहीं, हाथ तो है ना, हाथ से ढको, ऐसे नहीं जा सकते, कहीं तो हम तो मात्र देखने के लिए आए, आप देखने आए हो गए, ये हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में हमारा शासन चलेगा, तुम्हारा नहीं, तुम्हें देखने का भी शौक हो तो हमारी मर्यादाओं में बंध के देख सकोगे, बोलो, यानी एकमात्र अपने यहाँ की स्थिति है ऐसी कि कोई अनुशासन नहीं, चाहे जैसी पोशाक पहन के आ जाओ, चाहे जैसे रंग, चाहे जैसे सिर, सब चल जाएगा, बाकी किसी भी धर्म के आयतनों में, मतलब उनके आयतन कहीं ऐसी शिथिलता नहीं है। मुसलमानों में सफेद ड्रेस चलती, तो भी जींस पहन के नहीं जा सकते सफेद रंग का, पजामा कुर्ता चाहिए ना, तो कोई कहे नहीं सब सफेद जींस सफेद है ना, सफेद चाहिए ना, नहीं चलेगी, यानी सफेद पजामा ही चलेगा, सफेद जींस नहीं चल सकती, बोलो, ये मर्यादा है अभी भी। आपने वो टॉप पहन के कोई नहीं जा सकता मस्जिद, सफेद भी, रंगीन की तो बात दूर, यानी कितनी धार्मिक मर्यादाएं हर क्षेत्र की, अपने ही बस ऐसा ही, कोई मर्यादा ही नहीं, कुछ नहीं, चाहे जैसे चले आओ, चाहे जैसे सब चल जाएगा, धर्म ऐसे नहीं चलता, सब ओर से उसकी बहुत सुनिश्चित मर्यादाएं होती, तब कहीं वो विशुद्धि बढ़ाने में कारण बनता, अन्यथा एक पिकनिक स्पॉट जैसा हो जाता है बस, कि अब घर पे थोड़े से उब गए थे तो चलो मंदिर में समय बिता ले, तो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, बाकी विशुद्धता मिलने वाली नहीं है, उसके लिए मर्यादाओं में बंद के चलने की बहुत अधिक आवश्यकता। तो ये सोचना और हमेशा हमेशा के लिए संकल्पित हो जाना, क्योंकि सब तो टोकने वाले नहीं मिलेंगे, क्यों पता, क्यों सबसे बड़ी समस्या ये कहेंगे बस इनने टोका टोकी शुरू की, तो हम काहे को बुरे बने,
अपन तो भले बने रहो, तो सब मीठा मीठा बोलने का सोचेंगे, टोकने का क्यों सोचेंगे। इन्हें बुराई मोल लेना कोई नहीं चाहते, भले संस्कृति भ्रष्ट हो तो हो जाए, इसलिए कोई नहीं टोकेगा। अब तो धवल जी जैसे हो तो एक आध कोई टोक दे टोक दे, इतने कठोर हो जाए तो हो जाए, बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है, बस मीठी मीठी की हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह से सुनाने का रहेगा मन। पर इससे धर्म टिकने वाला नहीं है, वाहवाही मिल जाएगी, धर्म नहीं टिकेगा, मर्यादाएं नहीं टिकेंगी, संस्कृति नहीं टिकेगी। यदि संस्कृति टिकानी है तो वो सीमा रेखाएं बिल्कुल पूर्ण सुनिश्चित चाहिए, और स्वयं पालन करे और दूसरों से भी पालन कराने का पूरा पूरा अभिप्राय, तब कहीं वो संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। चलिए बहुत आगे बढ़ गए, लौटे अपने विषय पर। तो वो जो उपादान निमित्त चिट्ठी की बात की थी, उसमें विशुद्धि पर बहुत वजन दिया, और विशुद्धि मतलब वो कषाय की मंदता, वहां यहां तक चर्चा की कि जो नित्य निबोध से निकल के व्यवहार राशि में आया है, किसका बल था, किस विशुद्धि का। सामने वाला शिष्य कहता है कि सब उससे तो कर्म बंद होता है, तो वे कहते तुमने जो ये कहा सो तो ठीक है, पर अकेला इतना ही नहीं है, कुछ और भी है, कर्मबंध भी होता है और निर्जरा भी होती, और यदि निर्जरा नहीं होती होती तो निबोध राशि में ज्ञान का तो कुछ बल था ही नहीं, अक्षर का अनंत अभाग ज्ञान था, तो निकला किसके बल पर, किस विशुद्धि के बल पर। और फिर हम स्वीकार करने पर इतना जोर दिया कि विशुद्धि से निर्जरा होती है, ये मान मान इसमें धोखा नहीं है। और फिर लिखते मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरी भवितव्यता, तेरा द्रव्य इस रूप परिणमित हो रहा, मैं हम क्या करें। हे भाई, हे प्रश्नकर्ता, तूने माने कि नहीं मानी, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य स्वरूप ही परिणमित हो रहा, हम क्या करें। पर मान इसमें धोखा बिल्कुल भी नहीं है, यानी मानने के लिए इतने दृढ़ शब्दों का प्रयोग किया कि मानो, और कोई नहीं है वे पंडित बनारसीदास जी हैं, और वे ही जो समयसार जी नाटक समयसार में लिख रहे हैं शुभ अशुभ दोनों ही मोक्ष मार्ग की कतरनी है, एक कैंची है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, बंध बढ़ाने वाली और मोक्ष मार्ग को काटने वाली, और वे लिख रहे कि जो विशुद्धता है ना, ये निर्जरा का कारण। और फिर बहुत विस्तार दिया गर्भ शुद्धता नाम देकर के, और फिर कहा कि यद्यपि ग्रंथि भेद के बिना इसका वश नहीं चलता, तो भी ऊर्ध्वता तो करे ही करे, तो करण लब्धि के नीचे तक लाकर के तो उसने ही खड़ा किया। अब वहां तक आने के बाद ग्रंथि भेद का पुरुषार्थ करते तो और आगे बढ़ जाते। उदाहरण दिया तैराक का, बहुत अच्छा तैराक था, नदी में जा रहा था, पर जैसे उछलने को हुआ और ऊपर से एक लकड़ी का पटिया आ गया तो वहीं दब गया, तो वो तो पटिया आ गया इसलिए, पर फिर भी तैराक तो है सो है। ऐसे ही वो मिथ्यात्व रूपी ग्रंथि गांठ वो आ गई, अब उसको तोड़ने की नहीं है ताकत, तो नहीं तोड़ पाया, पर प्रायोग लब्धि तक की ऊर्ध्वता तो हुई ही हुई है, और ये मान मान इसमें धोखा नहीं, इतनी दृढ़ता से उसको स्वीकार कराया। तो अब आप पढ़िए, यहाँ तो अभी जिस बिंदु पर मुझे चर्चा करनी मात्र उसको लेते हैं। वहां
चारित्र वाली चर्चा है। अपने को यहाँ श्रद्धा और चारित्र दोनों से लेना है, तो उस उदाहरण को अपन दोनों ओर से लेते हैं। पहले श्रद्धा की ओर से लेते हैं। वहाँ उदाहरण रूप में शुरुआत ऐसे की कि जो जीव मिथ्या दृष्टि है पर इतना तो मान रहा है कि पुत्र मित्र कलत्र आदि सब भिन्न है, स्पष्ट भिन्न, या ये जाएंगे मैं रहूंगा, या मैं चला जाऊंगा ये रहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी इसके लिए और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। तो वे कहते इतना जो उसके भेद विज्ञान हुआ है ना, ये वो गर्भित शुद्धता है, सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी शरीर तो अपना लग रहा है, रागादि अपने लग रहे, पर इतनी जो भिन्नता के पुत्र मित्र कलत्र आदि, ये तो स्पष्ट भिन्न है, या मैं रहूंगा ये चले जाएंगे, या ये रहेंगे मैं चला जाऊंगा, इसका मतलब एकदम अलग अलग। और इनकी भिन्नता को समझने के लिए हमें और कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट कि देखो उनका परिवार वो विद्यमान अभी चले गए, उनका परिवार कि परिवार चला गया अभी बैठे हैं, तो स्पष्ट दिख रहे हैं, तो अलग से कोई प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं। इसको अपन श्रद्धा पे लगाएं, यानी श्रद्धा गुण के विकृत से विकृत परिणमन के बीच में स्वाभाविक शुद्ध अंश कैसे विद्यमान, मतलब उसका अनुजीवीपन क्या। एक जीव घोर मिथ्या दृष्टि गृहित गृहित सभी प्रकार का, तो सब जगह जाता, पर अब उसके अंदर ही संकल्प आया, अब हम मकबरे पर चद्दर चढ़ाने तो नहीं जाएंगे, हम मढ़िया पे चढ़ाएंगे, शनि की मढ़िया पे तेल चढ़ाएंगे, हनुमान की मढ़िया पर नारियल फोड़ाएंगे, पर मकबरे पर तो चद्दर चढ़ाने नहीं जाएंगे, वहां कब्र पर तो चद्दर नहीं चढ़ाएंगे। तो इतना जो हटाना, वे कहते गर्भ शुद्धता है, यानी मिथ्यात्म को ढीलापन आया ना, अभी तो सब कुछ एक थे और अब कि नहीं वहां तो नहीं, अब फिर और हटा नहीं, हम उस शनि की मढ़िया पे तो नहीं जाएंगे, हनुमान की मढ़िया पे तो नहीं जाएंगे, हम तो अपने क्षेत्रपाल पद्मावती के कर लेंगे, जो भी करना होगा यहाँ करेंगे, तो उतना हटा ना तो वो गर्भ शुद्धता। अब और कि नहीं हम क्षेत्रपाल पद्मावती का भी नहीं करेंगे, हमें तो जो करना होगा, हमारे संकट हरण तो पार्श्वनाथ भगवान है, और शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान, और शीतल था शीतलनाथ भगवान देंगे, तो जो हमें करना होगा हम तो यहाँ करेंगे, वहां तो नहीं जाएंगे, यद्यपि सम्यक तो नहीं है, ये भी मिथ्यात्व, पर उससे हटा है ना तो वो तीव्रता कम हुई, यानी शुद्धता गर्भ में आती जा रही, तो गर्भ शुद्धता। इसको बताने के पीछे जो उद्देश्य बहुत गजब का, कोई सी भी विकृति गलती है तो टलती है, यानी पहले धीरे 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 उसकी शक्ति कमजोर होती है, तब कहीं नष्ट होती। ये जो कपड़ा है ना, अभी आप ऐसे खींचो फट सकता, साड़ी फट सकती, और फिर पहनते 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 और कमजोर पड़ गया धागा, इसके बाद फट जाएगी, तो वो पहनते पहनते गल गई ना, तो गलती है कोई भी चीज तो टलती है, और गल नहीं शुरू नहीं हुआ हो तो टलने का क्या सवाल। तो मिथ्यात्व तो विकृति है ना, तो उसका गलना शुरू होगा, यानी उसकी शक्ति मंद मंद पड़ेगी तो नष्ट हो पाएगा वो, और मंद पड़ना ही शुरू नहीं हुआ हो तो नष्ट कैसे होगा। तो ये जो हुआ, यानी पहले सब जगह जाता था, अब कहा नहीं हम मकबरे पे तो नहीं जाएंगे, फिर कहता नहीं हम शनि की मढ़िया पे तो नहीं जाएंगे, फिर कहता हम क्षेत्रपाल पद्मावती पे भी नहीं जाएंगे, हम तो जो भी हमें करना होगा हम पार्श्वनाथ भगवान की शरण में करेंगे,
तो वो कुछ ना कुछ गला ना, गला है तो अब तलने का अवसर, और गलना ही शुरू नहीं हुआ होता तो, इसलिए उसको नाम दिया उन्होंने गर्भित शुद्धता। सम्यक तो नहीं है अभी, सम्यक शुद्धता नहीं है वो मिथ्या तो ही, पर इतना वजन दे रहे कि तुम मानो उसे। क्यों? क्योंकि शुद्धता तो ऐसे ही क्रम से व्यक्त होगी। देखो इसको और ऐसा लें, ये जो अपनी परीक्षाएं होती ना, मान लो अपने सामने दो बच्चे हैं, दोनों को एक एक विषय में सप्लीमेंट्री आई है, पूरक परीक्षा देनी। अब वो दोनों अपने से सलाह लेने आए तो अपन ने नंबर पूछे, तो मान लो उदाहरण के लिए कि गणित में सप्लीमेंट्री, अधिकांशतः उसमें ज्यादा आ जाती, तो गणित में सप्लीमेंट्री, एक को है 3 नंबर, आजकल 35 में पास होती ना, एक को है 33 नंबर, एक विषय में फेल है पर एक को है 3 नंबर, मात्र 3 उस विषय में, और दूसरे को है 33 नंबर, पास होने 35 नंबर में, तो फेल तो दोनों है। अब वो अपने से सलाह लेने आए कि सब क्या करें हम, तो जिसको 33 नंबर उसको अपन क्या सलाह देंगे, तुम तो भर दो फार्म, भर दो सप्लीमेंट्री का फार्म, भर दो निकल जाओगे, यानी सर अभी फेल हो गए साल भर पड़ा तो भी, 33 है ना, यानी काफी को तो तैयारी है, अभी 2 महीना शेष है और तैयारी करना, निकल जाओगे। और जो वो 3 नंबर वाला उसे क्या सलाह देंगे, साल भर पढ़ने के बाद जब तुम 3 नंबर ला पाए तो 2 महीने में कितना कवर कर लोगे, तो तुम तो फिर से पढ़ो। तो कहने को तो दोनों फेल हैं, पर उन फेल फेल में भी अंतर है कि नहीं, कि 33 नंबर वाला ऐसा कि यदि मेहनत करता है तो निकल जाएगा, और 3 नंबर वाला कि उसका तो कवर होना मुश्किल। ऐसे ही यहाँ कि एक वो मिथ्या दृष्टि के जो पूरा विश्व में डूबा, सब कुछ करता, और एक वो कि जिसका इस संकल्प और हम कहीं नहीं जाएंगे, पर जो हमें करना होगा हम तो पार्श्वनाथ भगवान के सामने करेंगे, हम तो इनसे मांगेंगे जो भी मांगना होगा हमें, तो है तो वो भी मिथ्या तो, परंतु तो उसको वे कहते गर्भशुद्धता, कि काफी कुछ गंदगी उसकी कमी हुई, कम हुई है, तो इन दोनों को एक स्तर से नहीं नाप सकते, यानी इसका वो मिथ्या तो गलना शुरू हो गया है, तो आज इतना गला है, और जब देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आएगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मन करेगा, तो कल वो भी गल जाएगा, और वो उसको तो भी अवसर ही नहीं है, तो दोनों को एक कोटि में कैसे रख सकते। तो जो वो अंतर है उसको उन्होंने नाम दिया गर्भित शुद्धता, यानी शुद्धता गर्भ में तो आ गई है, पर जितना प्रतिशत होना चाहिए, जैसे वही पासिंग मार्क का कि 33% चाहिए, अब जब तक वो नहीं आए तब तक सर्टिफिकेट में तो फेल लिखा मिलेगा, जब वो 34.99 भी क्यों ना हो, और चाहे बिल्कुल 0 भी क्यों ना हो, पर उनमें तुलना करेंगे तो कितना अंतर। तो ऐसा यहाँ कि जब वो गर्भ में आ गई शुद्धता, यानी कषाय की मंदता भी अपन मिथ्यात्व का ले रहे हैं, तो जब वो मिथ्यात्व में उत्तर तक कमी हुई है, तो वो कमी ही आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन उस स्तर तक पहुंचा देगी, यानी वो गर्भी शुद्धता सम्यक शुद्धता में बदल जाएगी। तो जो वो गर्भी शुद्धता चल रही है वो है उसका अनुजीवीपन, यानी श्रद्धा की विपरीतता में जो कमी, कमी मतलब कि पहले सब जगह माथा टेकता था, अब नहीं, इनके सामने तो माथा नहीं टेकेंगे, इनसे तो नहीं मांगे हम, तो इनसे मांगेंगे, तो कुछ अंतर पड़ा ना, तो ये जो अंतर पड़ा ये गर्भ शुद्धता, ये विशुद्धि, और ये श्रद्धा गुण का अनुजीवीपन, ऐसे चारित्र का आएगा
और फिर ये जानने का लाभ क्या, ये भी चर्चापन करेंगे, पर अभी का समय हो गया। अब मैं अपेक्षा रखूंगी कि जो आज पढ़ के नहीं आए वे अब तो अवश्य ही पढ़े अच्छे से, यानी अब और उसकी गहराई ख्याल में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं, क्यों इतना जोर दे रहे हैं, मान मान इसमें धोखा नहीं है, मानी तो सब आस, नहीं मान तो तेरा द्रव इसी रूप से परिणमित हुआ, हम क्या करें, यानी उसमें कुछ वजन है, तो क्या वजन है वो समझ में आएगा अभी का समय हो गया। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। गर्भित शुद्धता किसे कहते हैं? अगला, धर्माय तनों में वेशभूषा रंग आदि के विवेक का औचित्य स्पष्ट कीजिए, औचित्य स्पष्ट कीजिए। अगला, गर्भित शुद्धता को स्वीकार करने की प्रेरणा पंडित बनारसी दास जी इतनी दृढ़ता से क्यों दे रहे हैं? बस शंका समाधान के पीरियड में कल आम पर अपने चर्चा छोड़ी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, इस पर अभी उस पर चर्चा करते हैं। मूल चर्चा वो मंजन पर से हुई थी खड़ी कि क्या करें फिर मंजन के लिए, तो इसके लिए ये आम की जो कोई मतलब गुठली, यानी वो जो अंदर का सफेद, ऊपर का वो जाली जाली वाला भाग नहीं, उसके भी नीचे की वो पतली झिल्ली नहीं, उसके भी अंदर की बिल्कुल सफेद, वो बहुत अधिक औषधीय गुण संपन्न है, बहुत ही अधिक। किस किस में काम आती इस पे चर्चा करें, तो सबसे पहले तो आपकी मंजन वाली समस्या, मुंह की दुर्गंध से बचना हो, दांतों की भी चमक रखनी हो सुरक्षित, और पायरिया रोग कभी भी ना हो, तो सबसे बढ़िया फ्री फोकट का मंजन कि आप उस गुठली को ओवन में एकदम मंद आंच में बिल्कुल कोयला जैसा कर लीजिए, यानी एकदम मंद आंच में रखिए, तो भुनते 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 बिल्कुल काली पड़ जाएगी, यहां तक भूनिए ओवन में एकदम मंद आंच में। तवा हो यदि तो एकदम मंद आंच पे रखिए आप, कदाचित तो फिर नीचे रेत रख लीजिए किसी बर्तन में, उस पर फिर तवा रख लीजिए, यानी नीचे किसी कढ़ाई आदि में रेत, और रेत के ऊपर तवा, और तवा के ऊपर वो गुठली, और फिर ढक्कन ढक दीजिए। वैसे आजकल तो वो वाले ओवन भी आते ना, वाटी वाले, और वाटी तो सबको ही खानी होती है, तो वो वाला ओवन तो हर घर घर में ही मिल जाता है, बाटी वो वाला ओवन तो मिल ही जाता है, कदाचित वो बिस्किट आदि वाला ओवन नहीं हो, तो नहीं हो पर ये वाला, तो
वो कदाचित वो भी नहीं हो। यदि आप ठंड में भी लकड़ी आदि जलाते हो, तो कोयला जलाते हो और ऐसे भी कोयला आदि रखते हो, तो उसकी जो बाद की एकदम गरम गरम राख और जिसमें वो थोड़े थोड़े से अंश भी है, वो सबसे बढ़िया काम करता है वन का, उसमें डाल दीजिए आप। वो कदाचित बहुत कम हो तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, लगातार दो तीन दिन डालते रहिए, तब तक डालते रहिए जब तक बिल्कुल वो काला ना हो जाए, बिल्कुल कोयला जैसा। अब आप उसको बस रख लीजिए, बीन के कोयला जैसा हो गया तब रख लीजिए बीन के। उसको कोयला जैसा करना है गीले में, क्योंकि सूखे में तो आप रखोगे ना तो जलने लगेगा, तो उसमें से बिल्कुल लपटे निकलने लगेंगी, वो कोयला नहीं होगा, बिल्कुल राख हो जाएगा। यदि सूखे में किया तो इतनी जल्दी आग पकड़ता कि वो बिल्कुल पूरी लपटे उठने लगेंगी, तो वो पूरी राख हो जाएगी उसकी, इसलिए गीला ही। तो गीले को ही जो भी आपके पास एकदम मंद आंच करने का साधन हो, जो भी हो, कोयला हो, लकड़ी वाली आग हो, गैस पर भी आप जैसा कर सकते हो, अथवा ओवन आदि, ये भी नहीं हो तो अपना नीचे रेत रख करके, कढ़ाई में रेत रख ली, तो उसको गर्म होने दिया, उसके ऊपर तवा रखिए, उस पर गो डाल दीजिए और फिर ढक दीजिए, तो बिल्कुल मध्य मध्य आंच में वो हो जाएगा। तो उस पे आप कोयले होने तक कर लीजिए उसको। अब आराम से उसको रख लीजिए, यानी साल भर का आपका मंजन सुरक्षित हो गया। अब जब आपको चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोयला जैसा हो गया, बिल्कुल हल्का पिसता है, तो सामान्य से भी खल्लड़ से पीसेंगे आप एकदम हल्का, बहुत आसानी से, यानी नमक जितनी भी मेहनत उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, एकदम हल्का पिसेगा। और फिर भी यदि उतना भी नहीं लगाए तो मिक्सर से पीस लो, तो मिनटों में यानी बहुत ही हल्का हो जाता है वो, तो उसको बारीक पीस लो। तीन दिन की मर्यादा हो तो तीन दिन के हिसाब से, पांच दिन के तो पांच, जितने भी हो उस हिसाब से आप पीस लो। और जब आपको मंजन करना हो तो थोड़ा सा नमक, यानी पहले उसको हाथ में ले लिया और फिर थोड़ा सा नमक और फिर मिला के मंजन कर लो, स्वाद भी इतना बढ़िया हो जाएगा मुंह का। यानी यदि कई दिनों के बुखार से भी उठे हो ना और मुंह एकदम कड़वा कड़वा हो रहा था, और उससे आप मंजन करोगे तो मुंह में अपने आप मिठास आ जाएगी, सारी बदबू खत्म, दांतों की विकृतियां खत्म, और पायरिया तो कभी भी नहीं होगा, हुआ भी होगा तो खत्म हो जाएगा उससे, इतना बढ़िया। और बस पैसा के लिए किसके लगने, वो उतने से नमक के बस, बाकी सब सारा का सारा फोकट का माल। ये मंजन इन्हें बहुत ही बढ़िया मंजन, ये तो दांतों का हो गया। अब पेट का, चमड़ी आदि का भी, सबका पेट में मान लो कब्ज रहता है, अथवा इनके जैसी डकारें आती, गैसें बढ़ती, तो आप उसको खाए। ये राजस्थान तरफ तो बहुत उसकी सब्जी बनती है, इन दिनों मारवाड़ी समाज में इनकी सब्जी, गुटली जैसे आप बनाते हैं केले वगैरह की सब्जी बनाई ना, जैसे उसकी सब्जी, तो एकदम बारीक बारीक, जैसे आप वो कोथम्बीर केले करते ना किस करके, अथवा एकदम बारीक बारीक टुकड़े, तो वैसे करके और बस अच्छा घी वगैरह में बघार दे के और उसको डाल के, नमक आदि डाल के बिल्कुल मध्य आंचों में पका लेते, रोज करता हूं। सबसे पहले मैंने 1986 में, तो उस साल मेरी ड्यूटी हुई थी दशलक्षण पर में, केकड़ी में, ये जयपुर से थोड़ी दूर है केकड़ी, वहां तो चूंकि पर्वों में वाहन पे बैठती नहीं, तो हमेशा एक दिन पहले कहीं भी जाना तो एक दिन पहले पहुंच जाती, तो उस दिन तो हरी वगैरह भी लेती हूँ, तो मैंने सब्जी वगैरह भी लेती, तो उनके भोजन था तो उनने उसकी, मैंने थोड़ी सी सुखा के रख ली तो उसकी बनाई। तो जब मैं भोजन को बैठी तो बोली दीदी इसकी सब्जी है, मैंने तब तक खाई नहीं थी सब्जी उसकी,
मैंने कहा भाई आज तक मैंने खाई नहीं है और थाली में जूठा छोड़ती नहीं हूँ यदि अंतराय नहीं आए तो। अब वो खाई जाएगी मुझसे कि नहीं खाई जाएगी मैं कुछ कह नहीं सकती। तो ऐसा करिए आप बिल्कुल थोड़ी सी दीजिए तो कैसे भी करके वो तो कर देंगे खत्म। और फिर यदि वो साफ हो जाए तो आप बताना तो लेना होगा तो ले लूंगी मैं। तो उन्हें दिया। बाद में उन्होंने बताया दीदी इतनी बढ़िया औषधि है ये कि कभी बीमार नहीं पड़ना हो यानी पेट वाली बीमारियों से कभी परेशान नहीं होना हो तो इसको खाइए। बात पित्त कफ कब्ज अजीर्ण डकारे आना मुंह में बदबू आना कड़वाट रहना इन सब को साफ करने वाली दवा सब्जी बना के खाओ। वो अभी तो चूंकि ताजे ही आते हैं तो आराम से जूस भी पियो उसकी भी सब्जी खाओ। ऐसे ये चमड़ी वाले रोग और ये रक्त वाले भी जितनी भी रक्त विकार से फोड़ा फुंसे जैसे इनको हो रही थी ना रक्त का विकार यदि वो खाया रक्त शोधक रक्त संबंधी विकृति खत्म। ये जो हेमोग्लोबिन कम हो जाता उस संबंधी जो बीमारियां खड़ी होती यदि वो खाएंगे उससे वो भी बढ़ जाएगा बढ़िया रहेगा तो उस संबंधी समस्या खत्म। और चमड़ी वाली जो तो पहले तो जैसे आजकल वो सेफ्टी नीलम वगैरह काम में लेते ना उसके स्थान पर पहले हमेशा उसको ही लिया जाता था। यानी अच्छे बड़े बड़े फोड़े भी हो जाए ना तो मामा उस गुठली को घिसती और वो लगा देती। एक घामोरी वगैरह भी हो जाती ना गर्मी में खूब और पूरा एकदम घामोरी 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 से बहुत जलन 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 तो उन्हें तो उसको घिसा और लगा दिया पूरे शरीर में एक दिन में सारा साफ घिस के हाँ गुठली तो अच्छी घिस करके वो पूरे शरीर में लगा दो। एक गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता और किसी किसी के पसीना में बदबू बहुत ज्यादा आती तो वो ही खिलाते और वो ही उसके शरीर पर लगा देते। तो खाने से अंदर से विकृति खत्म और बाहर से चमड़ी वाली तो पसीना आना भी कंट्रोल में आ जाता और बदबू खत्म हो जाती। इतना ही नहीं कहीं कहीं का पानी खारा रहता नहीं पिया जाता प्यास तो लगती तो आप इतनी सी गुठली भुनी हुई ही खा लो यानी मध्य हाथ में भूल लो थोड़ा सा गुलाबी जैसा रंग आ जाए उतना अब वो खा लो और फिर पानी पी लो कितना ही खारा पानी हो मीठा लगेगा करके देखा होगा ये कमाल इसका। इसके लिए प्रसिद्धि हुई है कि आम के आम और गुठलियों के दाम कितने ही खारा पानी हो हे कहीं बदबू वाला भी हो जाए तो वो गुठली भून लो अच्छे गुलाबी रंग आने तक और पहले वो खा लो और फिर पानी पी लो ना कोई बदबू आएगी ना कड़वा लगेगा ना खारा लगेगा कुछ नहीं आराम से पेट भर जाएगा। इतने कमाल की चीज और बिल्कुल फ्री फोकट की दवा खोल के भूख नहीं लगती हो कब्जे रहता हो पत तो उसके लिए भी ऐसी बिना भुना भी ऐसी कच्चा ही उसको अच्छा बारीक पीस लो पाउडर जैसा और भोजन के पहले खा लो पानी पी लो फिर आराम से भोजन कर लो सब बेकार निकल जाएंगे। ये डकार वगैरह का तो करके देखना निकल जाएगा खत्म। अपने बुजुर्ग इन चीजों को अपनाते थे इनको जैसे आते हैं ना भूखी भी हो तो लगती है पता नहीं क्या क्या खा के रखा होगा एकदम इनको जैसे इनको ज्यादा आते ये सब समस्याएं खत्म। यानी कोई अपच नहीं अजीर्ण नहीं गैस नहीं कुछ नहीं तो करके देखिए। देखो अपने बुजुर्ग यही सब अपनाते थे। एक दिन पहले चर्चा की एक जन कमाता 10 जन खाते और तो भी पैसा दिखता था
और आज पूरे घर में जितने सदस्य सब कमा रहे और फिर भी पैसा नहीं दिखता। कारण क्या कि पहले फ्री फोकट के सामान से काम चल जाता था तो पैसा बच जाता था, अब तो हर चीज में पैसा, यानी मंजन भी बिना पैसा का नहीं हो रहा। और रोज का ही यानी एक एक महीने का ही वो टूथपेस्ट और ब्रश कितना खर्च, बिल्कुल फ्री फोकट का। वाइपर आदि, अब पहले तो बस जो पुराने कपड़े हुए ना फट गए जो, अब वो आराम से पोता के काम दे देते, अब वो ऐसे ही फेंकेंगे सड़क पे, क्यों पहनने लायक तो रहे नहीं, किसी को देने लायक भी नहीं, और वाइपर का एक्स्ट्रा खर्च, एक बर्तन मानने में कि वो अलग से वो खरीदते रहेंगे इतना इतना सौ पच्चीस पच्चीस पचास पचास रुपए का। अब पहले तो आराम से खूब नारियल खाओ और नारियल के जटे निकले तो उनसे आराम से बर्तन रगड़ो, फ्री फोकट का सामान, राग भी फ्री फोकट की। यानी फ्री फोकट से पहले जनक काम चलता था तो इसलिए बचत हो जाती थी, तो कम कमाते थे तो भी पैसा दिखता था। और अब ये जो अनर्गल खर्चे बढ़ा लिए तो कितने कमाना, हाथ में पैसा दिखने वाला नहीं ये है। और इतना ही नहीं, ये जो चीजें इन्फेक्शन वाली भी, जो ब्रश है ना आपका दांतों वाला, पता कितना इन्फेक्शन, आज आप अभी करना और खूब रगड़ रगड़ के धोखे रखना, खूब जितना आप रगड़ सको उतना खूब अच्छे से धूप पे रख देना, यानी बिल्कुल सूख जाए, और फिर गीला करके फिर रगड़ना, क्या होगा फिर वो फेस निकलेगा। खूब रगड़ रगड़ के किया था आपने पहले ही, खूब डुबो डुबो के, अब कहां से रह गया, रह जाता तो वो रह गया मतलब कि वो गंदगी भी रह गई है, यानी अकेला वो फेस नहीं निकल रहा है, वो गंदगी भी सुरक्षित है। अब रोज इतना रगड़ रगड़ के धोगे क्या, तो वो गंदगी उसमें रही कि नहीं रही, अब वो जीवाणु निरंतर प्रति समय असंख्यात की संख्या में बढ़ रहे, वही जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, और फिर अगले दिन फिर आपने उससे ही तो बे कीटाणु सारे दांतों में लगे, अब कितने घिसना, एक तो उन्हें मार रहे उसका पाप और दूसरे वो इन्फेक्शन फैलाएंगे, तो कितने बढ़िया से बढ़िया घिसना, यानी तीन तीन चार चार बार भी मंजन करना और फिर भी जब देखो तब बदबू बदबू। अपने बुजुर्ग कभी एक बार के अलावा करते थे मंजन, बस सुबह के सुबह कर लेते थे, और अब नहीं साहब वो डॉक्टर भैया कहते जितनी बार खाओ उतनी बार मंजन करना, तो दिन भर मंजन मंजन का ही काम है, चार बार मंजन पांच बार मंजन जितनी बार खाओ उतनी बार मंजन, तो मंजन करते करते परेशान हो, मुंह में से जब देखो तो बदबू बदबू बदबू, क्यों कि दे क्या रहे हो मुंह में, तो बदबू जाएगी कैसे, ये है बार बार मंजन करने से दांत अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं है, इसलिए बार बार मंजन करने के चक्कर में मत उलझो बेमतलब में समय शक्ति पानी, कुछ फायदा होने वाला नहीं, मंजन तो अकेला सुबह एक बार ही पर्याप्त है, पर ये जो चीजें हैं तो इस तरह से सदुपयोग करें तो उस पाप से बचेंगे, वो इन्फेक्शन मुंह में नहीं जाएगा, तो अपने आप ही सुरक्षित रहेंगे दांत। ये है हर क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाना, टूथपेस्ट आदि जो वे तो बिल्कुल ही छूने लायक नहीं, पेस्ट वाले पतले वाले बिल्कुल भी छूने लायक नहीं, क्यों फेस निकले और थोड़े से मीठे भी रहें, मुंह में दें तो थोड़े से मीठे रहें और घिसें तो खूब फेस निकले, इसके लिए क्या डाला जाता उनमें, ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन क्या है पता नहीं, पता ठंड में लगाते होगे ना ग्लिसरीन, क्या है वो
क्या है? मद नहीं है। और मद डालें तो इतनी सस्ती पड़ेगी क्या? ये मूल में है बूचड़ खाने का माल। मांस आदि तो अलग तरह से चला जाता, बिना डाली वो अलग तरह से, चमड़ी आदि हुई उसका अलग उपयोग हो जाता। अब जो हड्डियां बची उनका क्या करें? तो हड्डियों को पीसते हैं खूब, बिल्कुल मैदा जैसा बारीक, और फिर उसको उबालते तो उसकी चिकनाई निकलती, उसका नाम है चर्बी। चर्बी का तेल, वो हड्डी का तेल, चिकनाई। अब जो वो साबुन आदि बनाते तो पहले वो उसमें डालते, तो वो एसिड वगैरह भी, और साबुन में और भी जो सामान डालता वो, और साथ में ये तेल भी। अब साबुन को तो बड़ी का आकार देना है, तो उसके लिए प्रेस करते, तो प्रेस करते तो जितना उसके लिए आवश्यक होता उतना तो उसमें रह गया, और बाकी प्रेस से वो बाहर निकल आया। तो जो बाहर निकल आया उसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो उसमें वो चर्बी भी, साबुन वाला वो एसिड भी, वो जो अलग अलग तरह का डालते ना, और बाकी भी जो साबुन में डाल रहे थे, मान लो कोई बेसन डालते हैं, तो कोई चाक पाउडर डालते हैं, तो कोई कोई मतलब अलग अलग तरह की चीजें डालते, तो वो उन्हें सबका मिश्रण उसमें, तो उस वजह से वो थोड़ी सी स्वाद में मीठी भी और खूब फेस दे, जितना घिसो उतना फेस निकले। हर टूथपेस्ट में वो पड़ता है, उसके बिना फेस आ ही नहीं सकता। तो क्या दिया मुंह में सुबह सुबह? अब वो हड्डियों में, मूल तो हड्डियां ही, वो किस किस की होंगी ये अलग अलग तो करते होंगे ना, यानी ऐसे सुअर छू जाएगा सो, और उसमें वो सुअर की हड्डी की ही, ऐसे गधा छू जाएगा सो, और उसमें वो गधे की हड्डियों की, क्यों वहां हड्डियों का अलग अलग कर दे? नहीं, ये सुअर वाली हड्डी नहीं, क्योंकि जैनियों के यहां जाएगा ना, इसलिए कोई से भी टूथपेस्ट जैनी के घर में तो आने ही नहीं चाहिए। अब सब सूखे सूखे पाउडर, काला दंत मंजन, लाल दंत मंजन, सफेद दंत मंजन, दिको दंत, और जो जो भी आते, तो उनकी भी यही स्थिति, मर्यादा के अंदर के तो मिलने वाले हैं ही नहीं, और उनमें भी अधिकांश में तो वो जो बचा हुआ हड्डी का था ना, बारीक बारीक चूरा, क्या करें उसका? तो इस सनमाई का मंजन उसमें आराम से वो काम में आता है, वो बारीक जो चूरा, तेल तो निकल गया तो वो चर्बी के रूप में अनेक काम में आ गया। अब वो जो चूरा बचा उसका सनमाई का बनेगा उससे ही, अपने चीनी मिट्टी, बोन चाइना, एक बोन चाइना मतलब वो हड्डी, जैसा हमारे यहाँ पूरा सेट बॉन चाइना का, अपन तो उसमें भोजन करते। क्या है बॉन चाइना? अब वो अपने यहाँ की फैशन, स्टैंडर्ड वाला घर, जो का स्टैंडर्ड वाला हड्डियां रखी है, उसका ही वो चूरा इनमें भी मिला देते, और अन्य था तो सीधा सीधा ईंट का पाउडर, कोयले का पाउडर। अब फ्री फोकट का घर का कोयले का पाउडर पसंद नहीं आ रहा, और वो इतनी सी उन्हें डिब्बी में भर दिया काला दंत मंजन, और थोड़ी सी केमिकल से मिला दिया, काला दंत मंजन हो गया, अपने घर के कोयले के टुकड़े पिसे। ये चीजें हैं, यानी बाजार की कोई भी चीज यदि अपने को अपने जैसे भगवान आत्माओं के ऊपर थोड़ी सी भी दया है, तो बाजार की कोई भी चीज बनी हुई छूने योग्य नहीं। सात जातियों के छुए हुए, दिन रात का भेद किए बिना बने हुए, क्योंकि जो भी फैक्ट्री चलती तो ये ऐसे थोड़ी चलती क्या, अकेले दिन दिन में वो तो बस 24 घंटे खुली रहती,
आठ आठ घंटे की ड्यूटियां रहती हैं उनमें, तो 24 घंटे चलती रहती हैं, तो ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना सूतक का, ना पातक का, कुछ नहीं, सब में चलता रहता है। और अपन अपने घर में वैसे तो 16 चाहिए, और ये चल जाता है, छूने लायक चीजें नहीं है। ऐसे ही आजकल ये लिक्विड सोप वगैरह आ गए, जो बर्तन धोने के भी लिक्विड, कपड़ों के भी लिक्विड, इनमें कितनी बार रिपोर्टें आ चुकी हैं, जो भी पानी का उपयोग हो रहा लगभग 90% पानी गटर का, वे शुद्ध पानी तो पीने नहीं मिल रहा, तो उनके लिए कहां से मिले। तो जो वो गटर का बहता हुआ पानी और गंदगी बिल्कुल नीचे जम जाती, ऊपर ऊपर बिल्कुल अच्छा दिखने लगता, और वो वैसा तो है ही, एंटीबायोटिक तो है ही, बस उसमें थोड़े से केमिकल्स मिलाए और बढ़िया लिक्विड सोप, लिक्विड वो बर्तन मानने वाला, लिक्विड वो नील, कुछ भी लिक्विड, वो लिक्विड मतलब वो गटर का पानी। यानी अपने यहां तो एक छींटा भी एक बच्चे का भी पड़ जाए धोखे से, तो पूरे चौका धुलेगा, सब गंदगी हो गई, और उसमें तो पूरा वही वही का माल। और छानने नहीं छानने का तो सवाल ही नहीं, मर्यादा आदि वाली चीज वो तो सवाल ही नहीं, कितनी हिंसक, कितनी अपवित्र। इसलिए वैसे तो किसी के ही घर में नहीं आनी चाहिए, पर अब चूंकि वो उत्पादन हो गया, धंधा हो गया एक, तो सबको तो नहीं समझाया जा सकता, पर कम से कम जैनियों को तो इतना विवेक होना ही चाहिए कि लिक्विड चीजें बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो सीधा गटर का माल आ रहा चौके में, क्योंकि उन्हीं बर्तनों से तो करोगे ना सब काम, तो अभी ऐसा करने से क्या होने वाला, बाकी तो चौके में सब आ रहा। तो वो यहां तक की गंदगी चौकी तक न घुस गई, इसलिए ये भी चीजें बिल्कुल नहीं। अपने यहां जो राख का प्रावधान है बहुत वैज्ञानिक, इससे प्रश्न के लिए भी अवसर लेकिन मिलती नहीं है राख, क्योंकि अभी भी कोयले की खपत तो बहुत है, ये सब घर में तो नहीं मिलती, तो सावन में कोई घर में मिलती है क्या, वो भी तो आखिर बाजार में लेने ही जाते हो ना, ये घर में उत्पादन होता, तो जैसे वो लेने जाते ऐसे उस वो राख लिया ना, मंगवा लेना, फिर सावन में तो आखिर लेने ही तो जाना पड़ता ना, घर में तो पैदा होती नहीं, जैसे उसको मंगवा लेना। पर तुलना करके देखोगे तो सावन की अपेक्षा बहुत सस्ती पड़नी, और अहिंसक भी और इन्फेक्शन से रहित, इस पर विचार करें। देखें शौच आदि के लिए साबुन रख लेते ना, तो मान लो मैं निवृत्त हुई, उसी साबुन से मैंने हाथ धोए, अब रख दी, अब फिर ये गई उसी साबुन से इनने, फिर रख दी, फिर ये गई उसी साबुन से इनने, फिर रख दी, अब वो किस किस की गंदगी की लगात चल गई। अब वहां सबके अलग अलग साबुन तो होती नहीं, एक ही रखते, कदाचित नहाने में तो अपनी अपनी शौक के हिसाब से अलग अलग भी कोई ले लेते, किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद, पर वहां के लिए तो ये कहीं होती। अब वो एक में ही कितनों की गंदगी चलती रही और कितने दिन तक चलती रही। अब जब राख से धोएंगे तब कि मैंने राख से धोए, अब वो तो मेरे में ही वेस्टेज खत्म, अब वो राख इनके काम थोड़ी आने वाले, ये लेंगे तो दूसरी राख लेंगे, तो मेरी गंदगी मेरे हाथ के साथ धुल गई, वो दूसरे में नहीं जाएगी, और साबुन से तो अब उसमें कदाचित मेहमान आ जाए घर में तो उनकी भी गंदगी, और कदाचित कभी नौकर भी जाए उसकी भी गंदगी, कितना कितना इन्फेक्शन, क्योंकि साबुन वो धुलती थोड़ी है, उसमें तो जो भी कीटाणु लग गए तो वो लग गए, ये नहीं सोचना कि सब वो तो तीखी होती उससे तो कीटाणु मर जाते,
जीवों के उत्पन्न होने की योनियां सब तरह की होती। अपने यहाँ तो उष्ण तक योनि, यानी आग जलाई तो आग के आस्ते से उत्पन्न होने वाले जीव अलग, यानी वो उष्ण योनि वाले, शीत योनि वाले, मिश्र योनि वाले, यानी हर वातावरण में जन्म लेने वाले जीव। तो उस साबुन की तिखास में भी जन्म लेने वाले जीव तो मरते नहीं है, धोखे में नहीं रहना, क्योंकि जब उष्ण तक में नहीं मरते बल्कि और उसी योनि में जन्म लेते तो वहां तो कैसे मरेंगे। तो असंख्य असंख्य की मात्रा में निरंतर नए नए जीव वहां पैदा होने मरने, तो उनकी हिंसा का पाप तो लगना ही है, साथ में ही ये नया पाप इन्हें इन्फेक्शन फैलना है, तो नई नई बीमारियां फैलेंगी। अब ऐसे ही बर्तन मांजने में, जब भी वो जो क्या क्या चलते आपके विम बार वगैरह क्या क्या उससे, तो वो तो बस एक बार खोली तो जब खत्म हो जाएगी तभी है दूसरी, वो क्या बोलते वो पट्टा हरा जिससे घिसते हैं इसको, और उसको भी ऐसी ब्रश जैसा करके देखना, खूब अच्छा रगड़ रगड़ के धो लेना, और फिर ऐसी कड़क धूप में सूखने रख देना, और फिर गीला करना, फिर फिस निकल आएगा, यानी अंदर की गंदगी उसकी समाप्त नहीं होती, तो वो इन्फेक्शन। अब उसमें भी क्या होता, मान लो मेरी थाली आपने मानी उससे, अब इसके बाद यानी वो तो एक बार आपने साबुन पे घुमा लिया, अब मेरी थाली में लग गया, फिर उसको ही घुमाए, फिर दूसरे में उसको घुमाए, तीसरे में उसको घुमाए, चौथी में, तो मेरी गंदगी उसमें, उसकी गंदगी उसमें, उसकी गंदगी उसमें, से चलता रहा एक दूसरे का इन्फेक्शन पूरे में। अब चाहो स्वस्थ रह लेंगे, रह लिए, सपने देखते रहना स्वास्थ्य के, जब राख से मांजोगे तब क्या करोगे, मूल में एक बार पहले घिसी, अब राख डाली, अब वो राख उसमें लगाई पहुंच के खत्म, अब दूसरी राख डाली थोड़ी वो लगाई पहुंच के खत्म, तीसरे में तीसरी राख डाली वो लगाई खत्म, और पूरे बर्तन मरने के बाद तो वो राख ही फेंक दी, तो अब उसका इन्फेक्शन शाम को रहने ही नहीं, और उसका आपका वो तो कोई दोपहर की शाम को, शाम की कल को कल की परसों को चलता रहेगा। वो कितने कितने जीवों की उत्पत्ति और मरण और ये इन्फेक्शन, कल रात को चर्चा की ना टीबी वाली, और टीबी के रोग के कीटाणु ऐसे फैलते, तो अपन बेमतलब में उस इन्फेक्शन से, उन बर्तनों आदि से, और इतना ही नहीं और भी इसका एक जबरदस्त कारण। देखो पहले आजकल की जैसी सफाई की व्यवस्था तो थी नहीं, नालियां भी बिल्कुल खुले में होती थी, और कभी बाथरूम आदि में कोई भी एसिड वगैरह से धुलने का तो सवाल ही नहीं, धुलता था, और कपड़े आदि भी रोज तो साबुन से धुलने का सवाल ही नहीं, कभी हफ्ते दो हफ्ते में सोड़े में डाल के रोज धुलते थे, और लगाने की भी वही स्थिति, और फिर भी कोई बीमारियां नहीं होती थी ऐसी। अब तो रोज भी साबुन से धुले, कपड़े भी रोज, और ये भी सब पूरा एसिड से, बाथरूम भी पूरा एसिड से, और फिर भी जब देखो तब बदबू बदबू बदबू, कारण क्या है पता, बस एक जबरदस्त कारण कि मान लो आपने भोजन का धोन मतलब जो भी निकला किया वो नाली में से बहाया, अब इसके बाद आपने विम बार से बर्तन धोए तो वो कितने ही कुछ करो वो कुछ ना कुछ तो असर रह ही जाएगा, अब वो नाली में से बहा दिया, तो जितने वहां जीव हुए वे तो उसके कारण मर गए, और वो जो अन्य के कण आदि थे वे वहां जमे रहे, तो अभी बदबू नहीं देंगे तो क्या होगा, तो कितने ही असर से धोना, बाहर से चमकता रहेगा और वहां पास में जाओगे तो एकदम बदबू बदबू,
पहले जब इन चीजों का उपयोग नहीं करते थे, राख से मांजते थे, तब क्या होता था? राख से सूखे मांस थे तो वो राख तो फेंक गई कचरे में। अब वो थोड़ा बहुत हाथ धोने का हुआ, वो गुंजी धोने के, वो कपड़ा धोने का, वो पानी जाएगा नाली में, तो उसमें वो तिखास तो है नहीं, तो वो जीव मर नहीं पाए। मर नहीं पाए तो जो भी अन्न के कण गए थे वो अन्न के कण जीव खा लेंगे, तो सड़ने के लिए बचा नहीं, तो सड़ने के लिए बचा नहीं, तो गंदगी आएगी नहीं, बदबू आएगी नहीं। तो जीवों का भी संरक्षण, अन्य कणों का भी उपयोग, और साथ में बदबू से भी बच गए। अब वो जीव भी मारे, अन्य कण वहां ढेर लगे रहे तो भी सड़े, और फिर बदबू बदबू बदबू। बोलो, यानी उन्नति की ना बने। अब विचार कर लेना, उन्नति है कि अवनति? यानी हिंसा की ओर बढ़ रहे, बदबू की ओर बढ़ रहे, हर एक में लगा लेना। यानी अभी अपने ही जीवन के 40-50 साल को देखें, तो इतना चलता था साबुन सोडा जितना आज चलने लगा? यानी कभी फर्श इन सब से धुलते हुए देखे हैं पहले? बोलो, जैसे आज की आज क्या बोलते वो, फर्श धोने का ना फिनाइल, पहले कभी देखे तो आए दिन फिनाइल से धुल रहे, और फिर भी जब देखो तब चाहे जहां मकोड़ा कहीं कुछ कहीं कुछ। कारण कि वो होंगे क्यों नहीं, क्योंकि अन्न के कण गिरेंगे, वो खाने वाले रहे नहीं, तो बदबू आनी है, नई नई जीवराशि पैदा होगी। और पहले वो खाने वाले जिंदा रहते तो खा जाते थे, अब जब उनको वही खुराक मिल गई तो वे अंदर गए को आएंगे, और आपको वहां वो बचे नहीं तो यहां अंदर पैदा होंगे, तो जीव राशि। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए यदि कम से कम खर्च में अपनी गृहस्थी बढ़िया से बढ़िया अहिंसक चलानी है, तो ये जो अपने यहाँ की पहले की व्यवस्था थी उसे अपनाने के अलावा कोई उपाय नहीं। इतना ही नहीं, ये धोखे से भी कहीं कट गया हो ना हाथ वगैरह, अब आप वो बिम्बार आदि से बर्तन मांजना तो घाव बढ़ता जाएगा, और राख से बर्तन मांजना दो दिन में भर जाएगा घाव, राख एंटी है, तो कितना ही गहरा घाव हुआ हो आप राख से बर्तन मांजना वो घाव भरने लगेगा, और दो दिन में पूरा साफ हो जाएगा। और बिम्बार से मांजना तो राख गहरा, घाव गहरा होता जाएगा, ऊपर कहीं पकेगा, कहीं कुछ ना जाने क्या क्या उपद्रव करेगा। तो अपनी संस्कृति कितनी बढ़िया, हर तरह से काम नहीं फैला वो तो अलग ही, क्योंकि वहीं के वहीं बर्तन सूखते गए, अब बस उठा के ऐसे अलमारी में जमा दो, वो टोकनी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए पहले कहां घरों में टोकनियां होती थी, पहले होती नहीं घरों में बर्तन रखने की टोकनी, अब नए जमाने में एक नया खर्च कि वो टोकनी चाहिए, उनको रखने को जगह चाहिए। पहले तो कुछ नहीं होता था, बस सीधे अलमारी में जम गए छुट्टी, काम फैलते ही नहीं था। तो इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक अपनी अहिंसा को भी सुरक्षित रखने के लिए, स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बीमार पड़कर फिर दवा करने की अपेक्षा बीमार ही नहीं पड़ना, ये उपाय अपनाना ज्यादा बुद्धिमानी। तो इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। ये जो कपड़ों की शुद्धता आदि का भी है ना, ये तो बताए थे एक बार कि ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा शुद्धता चाहिए होती। इसलिए देखो पहले और आज की संस्कृति में कितना अंतर। पहले बाकी के कमरे कदाचित बिना दरवाजे के मिल जाएंगे, पर चौका कभी बिना दरवाजे के नहीं होता था। अब संस्कृति उल्टी हो गई, बाकी सब में तो बिल्कुल फुल दरवाजे, एक अलमारी भी बिना दरवाजे की नहीं होगी, और चौका पूरा ओपन खुला, और जबकि होना क्या चाहिए था, चौका दरवाजे वाला, जिससे चाहे जो चाहे जब नहीं आ सके, तो वो चौका तो रख दिया खुला कि आराम से चूहा भी घुस जाए, बिल्ली भी घुस जाए, मनुष्य भी चाहे जब आए तो चाहे जैसे घुस जाए। यानी वो चौका ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा सेंसिबल जगह है, वो तो पूरी पैक
यानी पैर धोकर के घुसे और बाकी को घुसने को अवसर ही ना रहे, इसलिए बंद, ये मर्यादाएं थी। तो उसी हिसाब से फिर कपड़ों में कि वो ऑपरेशन थिएटर में जैसे शुद्ध कपड़े कि इन्फेक्शन की बहुत समस्या, तो वैसे ही यहां होना चाहिए। यानी बीमार पड़ के इलाज कराने की अपेक्षा बीमार कैसे ना पड़े इस दिशा में सतर्क होना चाहिए। हो गया समय अपना। अपने यहाँ तो मुल्तानी मिट्टी चलती है, मिट्टी 22 अक्ष में गिनाई गई। वही तो मेरे को नया चलने लगा मुल्तानी मिट्टी का, पहले कभी चलती थी मुल्तानी मिट्टी? अपने बुजुर्गों से कभी सुना मुल्तानी मिट्टी का? नया नया रोग चलाने लगे और उसमें भी मुल्तानी, मुल्तानी मिट्टी मूल में मुल्तान देश से आती। मुल्तान देश अपना पाकिस्तान में है, तो वहां से आयात करनी पड़ेगी। कितनी महंगी पड़ेगी? तो पहले तो ज्यादा कभी कुछ होता तो अपने ही गांव की काली मिट्टी ले लेते थे, ज्यादा ही कुछ हुआ तो, यानी कुछ बाल वगैरह का ज्यादा कुछ हुआ तो काली मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो नाम नहीं सुनता था कोई। हाँ, तो बस उसको लेते थे, तो मुल्तानी मिट्टी तो नाम ही नहीं चलता था। अब वो एक नया आई मुल्तानी मिट्टी, अपने यहाँ उसके लिए कोई मान्यता नहीं है। 22 अक्षों में उसका नाम गिनाया गया, और अवक्ष के लिए खाने के रूप में निषेध नहीं होते, बाकी रूप में भी, तो इसलिए उसके लिए भी कोई अवसर नहीं है। ज्यादा ही यदि कोई नहाने धोने की समस्या, तो सबसे बढ़िया है नींबू का रस, यानी साबुन वगैरह नहीं लगाना मान लो, तो उसके बदले में वो मुल्तानी मिट्टी का लेते हैं, तो नींबू का रस, यानी आप नींबू बनाइए उसका रस लेके पूरे बदन में लपेट लीजिए, 5 मिनट को लपटा रहने दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के रगड़िए, फिर नहा लीजिए, एकदम बिल्कुल तरोताजा, ना कोई साबुन की आवश्यकता, ना मुल्तानी मिट्टी की, ना कुछ की, ना कुछ की। ज्यादा यदि हो, वैसे कोई आवश्यकता रहती नहीं, पर मान लो हो ज्यादा, तो ये सबसे बढ़िया। और गर्मी में तो इतनी ताजगी देता है वो नींबू का रस वाला, कुछ कहो ना, यानी उसको पानी में डालकर उससे नहाया, बहुत ताजगी महसूस हुई। अपने बुजुर्ग यही अपनाते थे, तो बिना साबुन के आराम से मस्त रहते थे। ये है, तो मुल्तानी मिट्टी के लिए अपने यहाँ कोई अवसर नहीं। हो गया समय।